इस मूवी को अगर एंजॉय करना चाहते हो तो अपने अकल के ढक्कन खोलने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वी फॉर वेंडेटा मूवी के बारे में। वेंडेटा का मतलब है प्रतिशोध यानी बदला। ये मूवी 2005 के अंदर आई थी। इस मूवी की स्टोरी बता देता हूँ। तो यूके में एक ऐसी गवर्नमेंट आ चुकी है जो बहुत ज्यादा तानाशाही है और लोग अगर उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनको मार दिया जाता है और इवन किसी के ऊपर शक होने के आधार पर भी उन लोगों को मार दिया जाता है। जो पार्टी यूके में सत्ता में आई है, जो चांसलर है, जिसके उसके खिलाफ अगर कोई मजाक भी बनाता है और न्यूज चैनल के ऊपर कुछ उसके खिलाफ अगर कुछ बोल भी देते हैं तो उसको सीधा जेल में ले जाकर उसको मार दिया जाता है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि 11 बजते ही, जैसे ही 11 बजते हैं रात के, तो एक कर्फ्यू स्टार्ट हो जाता है और इस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है एक नई पुलिस फोर्स, सीक्रेट फोर्स, जिसे फिंगर मैन ऐसा कुछ करके कहते हैं। अगर उन लोगों को, अगर कोई इंसान रात के 11 बजे बाद मिल जाता है तो उसको पकड़ के सीधा जेल में डाल देंगे। अगर कोई महिला मिल जाती है तो उसके साथ वो रेप कर लेंगे। एक ऐसी सरकार जिसने डर का माहौल बना दिया है, पूरी तानाशाह ऐसी सरकार है जो लोग डर डर के जी रहे हैं। किसी के पास किसी प्रकार की आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इवन किसी के पास अगर कुरान भी मिलती है तो उस इंसान को मार दिया जाता है। वैसे ब्रिटिशर्स कैसे हैं ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे देश में वो आए थे और हमें गुलाम बना के रखा था, कैसे यहाँ के लोगों को वो बिना वजह मारा करते थे, ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है। तो इस गवर्नमेंट से बचाने के लिए एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है वी। वी क्या करता है, इस गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे एक न्यूज चैनल, और न्यूज चैनल को हर घर में देखना जरूरी होता है, हर कोई इंसान उसे, सिर्फ वही एक चैनल चलता है, तो उस न्यूज चैनल के ऊपर वो कब्जा करता है और वहां से एक प्रोग्राम वो है वो टेलीकास्ट करता है, जिसमें वो लोगों को कहता है कि आज 5 नवंबर, जिस दिन वो टेलीकास्ट हो रहा है कि आज 5 नवंबर और ठीक एक साल बाद यानी आने वाली अगली 5 नवंबर तक सभी लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट के पास इकट्ठे होंगे, उस पार्लियामेंट को उड़ा दिया जाएगा, उसको बम ब्लास्ट करके उसे उड़ा दिया जाएगा। और एक लड़की ने इसके बाद इससे ये पूछा था कि क्या एक इमारत उड़ा देने से क्या ये सरकार बदल जाएगी, क्या लोगों के अंदर बदलाव आ जाएगा। तो इसके ऊपर वी ने एक बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उसने कहा कि जब एक इमारत गिरती है उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलकर एक इमारत को गिराते हैं तो वो दुनिया में एक मिसाल कायम होती है और उससे लोगों में एक उम्मीद प्रकट होती है। अब वी जो है वो मुखौटा पहन के रखता है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, और जो उसके पास सुपर पावर है बस यही है कि वो एक कॉमन इंसान है और उसे पता है कि उसका अंत क्या होने वाला है और लास्ट में उसके साथ वही सब होता है। वी कौन है, कहां से आया, इस सब का जवाब आपको इस मूवी में फ्लैशबैक में आपको मिलता चलेगा। इस मूवी का सबसे खूबसूरत पार्ट है इस मूवी के डायलॉग, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों के ये दिमाग के ऊपर से जाने वाले हैं। इस मूवी में एक्शन ना के बराबर है। देखो यार, सुपर हीरो वो नहीं होता जिसके पास पावर होती है, सुपर हीरो वो होता है जिसकी सोच जो है वो क्रांति ला दे। इंसान मरता है लेकिन उसकी सोच कभी नहीं मरती, उसकी सोच हमेशा किसी ना किसी रूप में जिंदा रहती है और एक दिन आता है वो बदलाव ला देती है। इस मूवी की जान है इस मूवी के डायलॉग, जो इसमें बातें कही गई हैं वो। इस मूवी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मुझे पसंद आई। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5/10। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर इस मूवी को देखें और प्लीज मूवी देखने से पहले अपने दिमाग के ढक्कन इसे खोल दें। लेकिन जो IQLS है, जो KR के जैसे रिव्यूअर को फॉलो करते हैं, तो प्लीज भाई इस मूवी को मत देखना, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाने वाली। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।